यहाँ पे जगह बनाएगा, इन जगहों पे, इन प्लेसेस पे नंबर्स बताए गए हैं और इन नंबर का मतलब यहाँ। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गजब बनारस पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपको काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज़ टू के निर्माण कार्य की लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, और इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के ललिता घाट पे, और आपको आज भी दिखाएंगे क्या कुछ नया बदलाव हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले हम आपको कुछ और दिखाएं, सबसे पहले सुबह सुबह गंगा नदी के नज़ारे लीजिए। और आज है 17 मई और सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो चलिए पहले गंगा दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कोई अपडेट जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टंकी तोड़ने के बाद किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है, काफ़ी भव्य नज़र आ रहा है, और यहां से गंगा द्वार भी एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है, और चीज़ें बहुत जेसीबी की मदद से अंतिम जो टंकी है उसे भी तोड़ा जा रहा है और जल्द ही इसे तोड़ के पूरा कर लिया जाएगा। आइए आगे भी नज़ारे दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों एक वीडियो में लाइक दे दीजिएगा जिससे हमें मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन। आइए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों देखिए हम आपको वाइड एंगल से दिखा रहे हैं कि यहाँ से गंगा, हम थोड़ा सा नीचे खड़े हैं और यहाँ से जो गंगा द्वार है और बगल में जो टंकी जब टूट गई है तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं कि जो पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है उसका शिखर दिख रहा है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ से दिखने शुरू हो चुकी हैं जो कि टंकी के न टूटने के कारण छुप जाती थी, जो नहीं दिखाई देती थी, अब वो काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से दूर से ही देख सकते हैं इंसान। और अगर हम इधर आपको बताएं, इधर थोड़ा सा कैमरा घुमा दें, तो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो ऑप्शनल वैकल्पिक व्यवस्था है इसको बनाया गया है। टंकी टूटने के बाद यहीं से जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो यहीं पे आके रहेगा, गिरेगा, और ऊपर इस पर स्लोप देके बनाया गया है, खिड़कियां बनाई जा रही हैं, जब अंदर से जब दर्शन करने के लिए जो पर्यटक आएंगे वो गंगा के साथ सेल्फी ले सकेंगे ऊपर से जो गंगा का नज़ारा है। और इधर आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे शव दाह हो रहा है, दाह संस्कार हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएं तो यहाँ काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है क्योंकि निर्माण कार्य में भी इन सब का यूज़ है, इन्हें जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा काम पूरा करके। काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और जब आप रोज़ कुछ नई अपडेट हो रही है और रोज़ कुछ नया बन रहा है, इतना तेज़ी से काम यहाँ चल रहा है। तो हमारे साथ चैनल पे आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम देते रहते हैं आपको कॉरिडोर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। आइए आपको ऊपर की तरफ भी चलते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि ये जो स्पेस है, जब टंकी टूट चुकी है तो कितना और स्पेस नज़र आ रहा है, अंदर भी हम कॉरिडोर में भी आपको घुमाएँगे और वहाँ भी क्या कुछ हो रहा है इसकी अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। ये
देखिए भव्य गंगा द्वार है इसे बनाया गया है, जो कि अपने आप में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पीले रंग का चमकता हुआ शिखर है, यही बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है और इसी के नीचे बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। और हम आपको करा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के लाइव दर्शन। वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको भी मिल सके बाबा का आशीर्वाद। इसी के साथ दोस्तों एक नई अपडेट यहाँ पे जोड़ी गई है, जो कि आपको दिखाने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पे नक्शा है बाबा विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पे जगह बनाएगा, इन जगहों पे इन प्लेसेस पे नंबर्स बताए गए हैं और इन नंबर का मतलब यहाँ पे बताया गया है। और ये श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत। अब आइए हम कि इन नंबरों का क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं। जैसे पहला नंबर है तो पहला नंबर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कहाँ है, इसे हम देख के ये जान सकते हैं कि पहला नंबर है। तो पहले नंबर पे हम आएंगे तो दिखेगा विश्वनाथ द्वार। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर ये है, यानी कि ये शक्ति भवन है। और तीसरा नंबर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पिनाक भवन है। चौथा नंबर विनायक संकुल है। इसी तरीके से यहाँ पे कम से कम 48 नंबर दिए गए हैं और 48 नंबरों के आगे उनका जगह का नाम बताया गया है, जो इस मैप में, जो जिससे हम बहुत आसानी से मंदिर परिसर कॉरिडोर परिसर में घूम सकते हैं बिना, और बहुत आसानी होने वाली है दर्शन करने के लिए इस नक्शे को हम यदि फॉलो करते हैं। तो आइए अब आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ है, और वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और हम आपको दिखाएंगे। देखिए सुबह का वक्त है, क्या भव्य नज़ारा है, लोगों की अब भीड़ बढ़ने शुरू हो चुकी है दर्शन करने वालों की। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और सीधे बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर फेज टू का जो निर्माण कार्य है, उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की बनारस के डेवलपमेंट की और वीडियोस आप तक लाते रहेंगे और गजब गजब की वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमें दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।